ठीक है, आप उसको देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ आज। यस ठीक है, मेरे ख्याल से आपको विजिबल हो रहा होगा। आप इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखोगे बेटा, ठीक है? इस तरह से आपके डायरेक्शन में चेंज कर देती हूँ। ये मैंने हाफ बनाया है, हाफ मैं आपको बना के दिखाऊंगी अभी। मैंने सिर्फ वाटर कलर से बनाया है, लेकिन आप बहुत ध्यान से इसको देखोगे। मैं आपको पास से इसको हल्का सा रब करके भी दिखाती हूँ, तो आप समझोगे कि मैं कैसे ट्रैक्टर से। मैंने सबसे पहले ऊपर सिंपल वाटर में मिक्सिंग करके हमने जैसे किया वॉश पेंटिंग करते उस तरीके से किया है, ठीक है? इसके बाद आप जो ट्री वाला सेक्शन देख रहे हो, काफी स्मूथ और थिक पेस्ट दिख रहा है। ये भी पोस्टर कलर है, इसको मैं रब करके दिखाती हूँ। आप साउंड ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसको मैंने रब किया है, इसको रब किया है, लास्ट वन जो मेरा पहाड़ वाला टेक्चर है, अब मैं इसको रब करके दिखा रही हूँ। आप ध्यान से सुनोगे तो आप काफी रफ, आपको साउंड इफेक्ट में समझ में आ रहा होगा कि जैसे काफी रफ है, जैसे स्टोनी टेक्चर है, जैसे सैंडी टेक्चर, इस टाइप का टेक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अगेन वाटर वाले सेक्शन में मैंने काफी स्मूथ टेक्चर है, ठीक है? ये तो ये हम किस तरीके से अपने वाटर कलर में ही कुछ चीजों की मिक्सिंग करके इफेक्ट को इतना इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा वॉटर ही है, यहाँ पे थोड़ा सा थिक स्मूथ है, यहाँ पे रफ है, और यहाँ पे अगेन स्मूथ है, ठीक है? तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज सिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है? सुपर पोस्टर कलर्स तो हमारे सारे बच्चों के पास होते हैं। डजंट मैटर, मैं आपको बड़ा वाला सेट दिखा रही हूँ, मेरे पास ये बड़ा वाला सेट है कलर का, लेकिन आपके पास सिक्स कलर का सेट है, तो हम कलर की मिक्सिंग करके तो हम कर सकते हैं ना, उसमें और भी कलर के शेड्स बना सकते हैं। ये सिंपल पोस्टर कलर्स है, ठीक है? आपके पास जो भी वॉटर कलर है, पोस्टर कलर्स, यहाँ तक ये वो छोटी छोटी सी ट्रे में जो होते हैं कलरफुल, उसमें वो होती है, वो क्या बोलना चाहिए, कलरफुल कॉलम्स बने रहते हैं, उसके अंदर भी होते हैं सिंपल, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब हमको कलर्स के टेक्सचर्स चेंज करने के लिए हमको तीन चार चीजों की जरूरत होती है जो इजिली हमारे पास अवेलेबल रहती है। सबसे पहले वो कलर बनाना दिखाऊंगी आपको मैं, उसके बाद पेंटिंग में अप्लाई करना दिखाऊंगी, ठीक है? ये तो हमारे पोस्टर कलर से मैं किसी एक कलर में करके दिखाती हूँ आपको, टेक्सचर चेंज करके कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जिसमें आपको इजीली समझ में आएगा। चलो मैं रेड कलर ले लेती हूँ और एक लाइट कलर ले लेती हूँ, कोई भी येलो कलर ले लेती हूँ, ठीक है? उसके लिए चाहिए हमको टैल्कम पाउडर, जो इजीली अवेलेबल रहता है, मैं कई चीजों में आपको इस्तेमाल करना सिखाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा होता है फेविकोल, ये भी हमारे पास रहता है इजीली अवेलेबल। तीसरी चीज है बेकिंग पाउडर, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं रहता है तो आप मीठा सोडा, जिसको बोलते हैं, आपकी मम्मा को पता होगा, जो अब तो बच्चे 9th क्लास में आ गए, मीठा सोडा जो खाने का सोडा होता है, इसके अलावा वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैं मीठा सोडा यूज करने वाली हूँ, ठीक है? तो कैसे अपने कलर की थिकनेस को और टेक्स्चर को चेंज करके अपनी पेंटिंग में अप्लाई करनी है, मैं कलर बनाती जाऊंगी और पेंटिंग में अप्लाई करती जाऊंगी, आप खुद ही देखोगे उसमें कि किस तरह का इफेक्ट आता है, ठीक है? मैं कलर ले लेती हूँ। सबसे पहले हमारी पेंटिंग में है ऊपर ब्लू कलर, ये तो मैंने वॉश पेंटिंग आपको सिखाई है, बहुत इजीली है, इजीली कर सकते हो आप। ये तो बहुत सिंपल होता है, अब आप ध्यान से देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। इसमें एक पेंटिंग और दिखा रही, ये भी सिंपल पोस्टर कलर से ही बनाया है मैंने, लेकिन इस पेंटिंग के इसको इफेक्ट को देखोगे, कलर के इफेक्ट को, तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ अलग दिख रहा है। ये सिंपल पोस्टर कलर से, लेकिन हमको ऐसा लगता है इतना ग्लेजी है, इतना इसमें इसमें इतनी ब्राइटनेस दिख रही है कलर में, ये सब इसलिए कि हमने जो कुछ कलर्स की मिक्सिंग की है। जैसे मैंने पीछे बैक साइड वाले सेक्शन में इसमें पूरा बेकिंग पाउडर मिक्स किया है, इसका आई शेडो वाला टेक्चर है, जहाँ पे वहां पे मैंने टेलकम पाउडर मिक्स किया जो काफी स्मूथ दिख रहा है, स्मूथ। अगेन लिप्स में मैंने फिर से बेकिंग पाउडर डाला, जो थोड़ा सा रफ और थोड़ा सा खुरदरा सा है, ठीक है? ऐसे मैंने डिफरेंट ज्वेलरी में, थोड़ा ज्वेलरी वाले सेक्शन में फिर से मैंने बेकिंग पाउडर वाला टेक्चर डाला है, ठीक है? इस तरीके से हम अपनी पेंटिंग के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। पहले हम यही करते हैं, ज्वेलरी वाला वॉश पेंटिंग में कुछ नहीं होता, सबसे पहले हमको वाटर अप्लाई करना होता है बैक साइड में, बहुत ही लाइटली, जो मैंने पहले भी सिखाया है आपको। इस तरीके से हम वाटर अप्लाई करते हैं, उसके बाद ब्रश को गीला करके ब्लू कलर लगा के, ये तो हम सिंपली ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? जो मैं किसी कलर की मिक्सिंग की है, और मैं अपनी सीनरी के साथ में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि सिंगल सीनरी है। इस तरीके से ये होती है वॉश पेंटिंग, जिसमें हम पहले से अपने पेपर को वॉश करते हैं, पहले लाइटली,
लेटर से उसके बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये टेक्सचर आता है। अब देखो जो ट्री वाला सेक्शन है उसमें थोड़ा सा थिक और स्मूदी टेक्सचर देने के लिए क्या करना है, हमको ग्रीन कलर लेना है और टेलकम पाउडर लेना है, ठीक है। ग्रीन कलर में भी दोनों कलर लेंगे हम, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन। आप चाहो तो सिंगल ग्रीन कलर से ही बना सकते हो, किसी भी एक ग्रीन कलर से ही बना सकते हो, या दोनों ही कलर ले सकते हो, ठीक है। मैं लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों से करके दिखा रही हूँ। सिंपल इसमें यह है कि हमको सिर्फ उसमें मिक्सिंग करनी है कलर की, ठीक है। इसमें जो इसमें रेशियो जो होगा आपका कलर का वो 2:1 का होगा। 2:1 मतलब कि जो भी हम उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, चाहे टेलकम पाउडर मिक्स कर रहे हैं या फिर जैसे टेलकम पाउडर है, टेलकम पाउडर या फिर बेकिंग सोडा मिक्स कर रहे हैं, उसका रेशियो रहेगा 2:1 का। 2:1 मतलब तब टू, अगर टू क्वांटिटी में ये है तो 1 क्वांटिटी में हमारा कलर होगा, तभी वो थिकनेस आएगी उसमें, ठीक है। तो मैं अगर 2 ब्रशेज में अगर टेलकम पाउडर ले रही हूँ, उसमें से 1 ब्रश में इसको आप पिंच से भी मैं मेजर कर सकते हो, ठीक है। 2 पिंच आप ले सकते हो, मतलब जितना आप पाउडर लोगे उसका जस्ट हाफ क्वांटिटी में आप कलर लोगे, ठीक है, तभी वो थिकनेस उसमें आएगी, ठीक है। टेलकम पाउडर आपको इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। इसका रेशियो है 2:1 का, मतलब 2 की क्वांटिटी में हमको टेलकम पाउडर लेना है, 1 क्वांटिटी में हमको लेना है कलर। मैं सिर्फ एक ब्रश उसमें मिलाऊंगी कलर, 1 ब्रश, ठीक है, ओके। इसमें मिक्स करेंगे और ये बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। इसमें वाटर तब तक मिक्स नहीं करना है आपको, वैसे जरूरत बिल्कुल समझ में नहीं आएगी आपको, अगर आपका कलर बहुत ही ड्राई है सूखा हुआ तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझ में आएगी कि हमको इसमें वाटर मिक्स करना है। जैसे हम टेलकम पाउडर मिक्स करेंगे बहुत ही स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा, बहुत ही स्मूदी, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा। बस हमको डायरेक्ट इसको ऐसे ही अप्लाई करना है, वाटर हमको तब अप्लाई करना है जब बिल्कुल ही ऐसा लगे कि बहुत ही ड्राई ड्राई सा हो गया। ये देखो स्टिकी सा थिक पेस्ट रेडी हो गया, इसको हम बिल्कुल रैंडमली डायरेक्टली अपनी पेंटिंग में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मेरा ट्री वाला सेक्शन है, ट्री पे पेंटिंग करना मैंने पहले भी सिखाया है आपको। अब आप सोचोगे कि ये टेलकम पाउडर अप्लाई करने से बाद में सूखने के बाद तो कुछ नहीं हो जाएगा, ये पेंटिंग मैंने 4 से 5 दिन पहले बनाई है, देखो इसमें कलर्स के इफेक्ट में, मैं इसको हाथ से भी रफ करके दिखाती हूँ, इसमें कहीं कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमने टेलकम पाउडर मिक्स किया या हमने इसमें बेकिंग सोडा मिक्स किया तो हमारी पेंटिंग खराब हो जाती, नहीं हो जाती, बिल्कुल एज इट इज रहती है, ठीक है। ये हमने पहले डार्क ग्रीन सॉरी लाइट ग्रीन कलर अप्लाई किया है। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि जब तक वाटर मिक्स नहीं करेंगे, जब तक आपको लगता नहीं है कि हमारा ब्रश काफी ड्राई चल रहा है, तभी आप बहुत ही हल्का सा, बहुत हल्का सा वाटर मिक्स करेंगे, ये तो दोबारा अपना कलर फिर से रेडी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, मैं फिर से थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। और जब भी पाउडर मिक्स करेंगे आपका ब्रश गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए आपका ब्रश। जितना भी हमने पाउडर लिया उसका जस्ट हाफ हमको कलर मिक्स करना है इसमें। तो ब्रश को अपने कलर में डालने से पहले भी आप क्लीन कर लोगे, नहीं तो आप वैसे पाउडर वाला सीधे ही अपने कलर में डाल दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेलकम पाउडर मिक्स करके अपनी कलर की कंसिस्टेंसी को काफी स्मूथ और थिक बना सकते हैं। तो जहां जहां हमको थोड़ा सा ऐसा टेक्चर देना है अपनी पेंटिंग में कि वहां थोड़ा सा उभरा उभरा सा हमारा दिखे टेक्चर, थोड़ा सा मोटा मोटा सा टेक्चर दिखे, वहां पे हम टेलकम पाउडर अपने पोस्टर कलर में या वाटर कलर में मिक्स करके इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्री वाला सेक्शन हमारा। इसी तरीके से हम डार्क ग्रीन में भी करेंगे पाउडर मिक्स करके, इसी में बना देती हूँ मैं, टेलकम पाउडर डाल देती हूँ। ये बेटा कुछ ऐसे हैक्स और ट्रिक्स हैं जो बहुत साल पहले से ही इस्तेमाल करते आए हैं। जब पहले के समय में जब टेलकम पाउडर नहीं हुआ करता था तो आपने सुना होगा कि जो मार्बल डस्ट होती है, मार्बल डस्ट जो होती है ना, जो हमारा मार्बल हम यूज करते हैं घर में, टाइल्स वगैरह बनते हैं उसमें, तो जब जहां पे मार्बल सार्बल्स की टाइल्स वगैरह बनती है वहां पे क्या होता है, काफी क्वांटिटी में मार्बल का चूरा निकलता है, बिल्कुल महीन पाउडर डस्ट निकलती है। तब वो इस तरीके का पाउडर डस्ट का, मार्बल डस्ट का यूज करके अपने पेंट को इस तरह की थिकनेस, स्मूथ और थिकनेस दिया करते। आजकल तो हम टेलकम पाउडर यूज करते हैं, टेलकम पाउडर इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये देखो इस तरह का स्मूथ और थिक पेस्ट बन जाता है,
अब इसको हमको अप्लाई करना है इसमें, ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऑयल पेंट जैसा टेक्चर आता है इसमें, जैसे कि हम ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं वैसे ही थे सिंपल। हमारे पोस्टर कलर्स में ही कुछ कुछ चीजें ऐसे मिक्स करने से, ठीक है लाइक दिस। ये आप जब लाइव करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। इस तरीके से कैमरा में इतना क्लियर नहीं दिखेगा बेटा आपको, लेकिन आप इसको प्लीज ट्राई करके देखना, आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से इफेक्ट अपनी पेंटिंग में डाल सकते हो, ठीक है। ये हमारा रे वाला सेक्शन हो गया, ये देखो पीछे के मुकाबले पीछे थोड़ा सा रफ है हल्का सा, और ड्राई पतला सेक्शन है। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है काफी ग्लेजी दिख रहा होगा, उसमें हाइलाइटिंग आपको काफी अच्छी दिख रही होगी अकॉर्डिंग टू दिस कलर, ठीक है। Everybody, please open your videos first of all. अपना वीडियो क्यों ऑफ कर ले, तो मेरा टॉपिक इतना बोरिंग भी तो नहीं है कि आप सारे बच्चे वीडियो ऑफ कर ले। आदित्य अच्छा लग रहा है बेटा, कंगी नहीं करेगा तो भी अच्छा लग रहा, तू वैसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही अच्छा लगता है, ठीक है। इतनी जल्दी तुम लोग बोर हो जाते हो, कोई भी चीज नई चीज सीखना ही नहीं चाहते हो बिल्कुल, क्या इतना बोरिंग टॉपिक है तो मैं टॉपिक चेंज कर देती हूँ फिर। मैं आज वर्ल्ड बुक डे है, मैं बुक डे के ऊपर कुछ ना कुछ करवा देती हूँ, ओके। क्या मैं टॉपिक चेंज कर दूँ, मुझे बिल्कुल भी पराठे लगेगा। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो टॉपिक चेंज कर सकती हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक शेयर करना चाहिए आपके साथ में, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया ये। क्योंकि मैं बहुत से बच्चों के साथ में इशू देखती हूँ, उनके पास पोस्टर कलर्स रहते हैं लेकिन ऐसे कलर्स नहीं रहते, एक्रेलिक पेंट वगैरह नहीं रहते, तो वो बच्चे कुछ कुछ चीजें स्किप कर देते हैं करना, इसलिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है। खुशहाल थोड़ा कंफर्टेबल होके बैठ जाओ बेटा, सो जाना, पूरा दिन है तुम्हारे पास आफ्टर 11:30। अब बताओ मुझे कि मैं टॉपिक चेंज कर दूं क्या, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है? यही सही है, ये अच्छा है, सही है मैम, ना चलो ठीक है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। मैम एक्सक्यूज मैम, यस आज के मैम टैलकम पाउडर मैम कहीं स्टेशनरी पे मिलता है क्या? अरे तो मैम नॉर्मल वाला पाउडर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी पाउडर बेटा, कोई भी पाउडर यूज कर सकते हो, घर में इजीली अवेलेबल रहता है। मम्मा से पूछोगे तो बताएंगे तुमको अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसमें जो अपना हिली वाला टेक्चर, अक्सर जो स्टोन वाला टेक्चर बनाते हैं ना, पहाड़ वहाड़ बनाते हैं, तो उसमें काफी हमको रफ टेक्चर बनाना होता है, और उसमें दिक्कत ये होती है कि हम कलर में कितनी भी मिक्सिंग करके शेडिंग करके देखें, वो हिल वाला रफ वाला टेक्चर आता ही नहीं है, और अक्सर हम सोचते हैं कि कैसे टेक्चर आएगा, ठीक है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जैसे कि हम हिल वाले टेक्चर बनाते हैं ना, उसमें सबसे पहले आप या तो ऑर्चर कलर अप्लाई करो। ऑर्चर कलर कैसे बनता है बेटा? येलो में ब्राउन कलर मिक्स करके, नहीं तो आप बड़ा वाला सेट अगर आपके पास कलर का है तो उसमें ऑलरेडी ऑर्चर कलर रहता है। ऑर्चर कलर मतलब डार्केस्ट शेड ऑफ ब्राउन, अगर हम उसमें सॉरी येलो, अगर हम येलो में ब्राउन कलर मिक्स करेंगे तो ऑर्चर कलर बन जाता है, ठीक है। कभी भी हम हिल्स वगैरह बनाते हैं तो उसके बेस में हम या तो गोल्डन येलो कलर डालते हैं या फिर ऑर्चर कलर डालते हैं, उसके बाद ब्राउन अप्लाई करते हैं। तो हमको हिल में थोड़ा सा रफ स्टोनी टेक्चर बनाने के लिए सबसे इजी तरीका है कि हम अपना कलर ले, जैसे मैंने वन ब्रश कलर लिया है, मैं ऑर्चर कलर ले रही हूँ, आप चाहो तो ब्राउन या येलो कलर पहले बेस में डालोगे, ठीक है। वन ब्रश लिया मैं, इसमें इसकी जस्ट डबल क्वांटिटी में डालूंगी बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा भी आपके घर में इजीली रहता होगा। मम्मा से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि मीठा सोडा तो हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसकी जस्ट डबल क्वांटिटी हम इसमें मिलाएंगे मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि पता नहीं क्या बन जाने वाला है, लेकिन डोंट वरी, अब आप उसको मिक्स करोगे तो काफी थिक ऐसा पेस्ट जैसा रेडी होगा ये। इसमें जब आप पानी मिलाओगे तो ध्यान रखोगे कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाओगे, क्योंकि जिस तरह की सॉल्ट जो है पानी में डिजोल्व हो जाता है, इस तरीके से बेकिंग पाउडर भी डिजोल्व हो जाता है। उसमें हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी सिर्फ इतना ही मिलाएंगे जितना कि हमारा ब्रश को कलर को पेंटिंग के ऊपर अप्लाई कर सके। मैं पास से दिखाती हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है आपको कलर की, सिर्फ इतनी रखनी है। ये हल्का सा स्टोनी, इसमें देखो क्रिस्टल्ड फॉर्म में दिखना चाहिए बेकिंग सोडा, बहुत ज्यादा हमको डिजोल्व नहीं कर देना है, ठीक है। इस तरीके का थिक पेस्ट आएगा इस तरह की स्मूथ, ताकि ये अप्लाई करने में इजी रहे, बस हमको इतना ही रखना है। और आप बिल्कुल भी वरी मत होइए कि आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी शीट के ऊपर तो ये निकल जाने वाला है, मैंने आपको रब करके दिखाया है बिल्कुल भी निकलता नहीं है, ठीक है। तो अपनी पेंटिंग में अप्लाई करेंगे इसको तो आपको अलग ही सुंदर बहुत ही क्रिस्टल स्टोनी लुक दिखेगा उसमें सैंडी फॉर्म में,
ठीक है, कलर खत्म हो जाए तो फिर से लगा लो उसको, और आपको लगे कि आपका ब्रश काफी रफ हो रहा है, स्मूथली स्प्रेड नहीं कर पा रहा, तो हल्का सा वाटर मिक्स करोगे, बहुत जरा सा, बहुत अधिक वाटर नहीं मिक्स करोगे बेटा इसमें, ठीक है। इस तरीके से पहले हम बेस में कोई भी लाइट कलर डाल देंगे, येलो या ऑर्चर कलर, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है या मीठा सोडा डाला है तो ये सूखेगा कि नहीं सूखेगा, ये बहुत आसानी से सूख जाता है, गर्मी का सीजन है तो और आसान से सूख जाता है। वैसे भी जितना हम पोस्टर कलर से पेंटिंग वर्क करते हैं सिर्फ हम सूखे ड्राई सीजन में ही करते हैं, कभी भी वाटर पेंटिंग का वर्क हम कभी भी वेट सीजन में नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो हमने अप्लाई कर दिया, लुक लाइक दिस। अब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको अलग ही लगेगा, रफ टाइप का थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में है ये, बिल्कुल ऐसे ही ड्राई हो जाने वाला है। अभी आप तो जो नेक्स्ट आप टेक्सचर देना चाहते हो उसमें इसके सूखने के बाद दे सकते हो, ठीक है। इतना लेट क्लास कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ये देखो हल्का सा मैं इसमें दिखाऊंगी आपको, अलग ही थोड़ा सा सैंडी सैंडी सा टेक्सचर दिख रहा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही सूख जाता है, मैंने इधर भी अप्लाई किया था, ये देखो अलग ही स्टोन्स जैसे टेक्सचर दिखता है। अब उसके बाद हम करेंगे ब्राउन कलर, ठीक है। और ब्राउन कलर में भी हम इसी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे, ये ऐसी कलर जो हमने रेडी किया इसी में थोड़ा सा ब्राउन कलर डाल दो और टेम्पो डाल दो, सॉरी मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो हमारे बॉक्स में मिलता है ना वो काफी फाइन और पाउडरी फॉर्म में होता है, उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है मीठा सोडा जो घर में इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको इजीली मिल जाता है, 7 से 8 रुपए का 100 ग्राम मिल जाता है, बहुत कॉस्टली चीजें नहीं होती है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा मीठा सोडा। इस तरीके से थोड़े सा एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा लाइफ में और कुछ नया नया करो, ठीक है। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये खुद ही घर में मैम घर में है तो कुछ भी अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट करती रहती है और फिर हमको सिखा देती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ये जो चीजें हैं ये कई सालों से यूज होती आई है पेंटिंग फॉर्म में, जब बहुत 100-300 साल पहले जब कलर्स भी नहीं हुआ करते थे तो वो किस तरीके से कलर रेडी करते थे, तब की पेंटिंग्स आज भी 100-200 साल के बाद भी वो पेंटिंग्स अवेलेबल है बिल्कुल ब्यूटीफुल फॉर्म में, तब कोई भी कलर केमिकल कलर्स नहीं हुआ करते, तब भी वो फ्लावर्स का जूस निकाल के या आयरन को पानी में डुबा के उससे ब्लैक कलर बना के भी अप्लाई करते थे, वो काफी स्टर्डी होते थे जो आज भी अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से ब्राउन कलर रेडी करके उसमें शेडिंग करेंगे, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं, ये मेरे सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स है जो मैं करके आपको सिखा रही हूँ, ये तरीके हैं जो यूज होते हैं कई सालों से यूज होते हैं और आपको भी सीखना चाहिए ये, ठीक है। अभी हमारी सीनरी पूरी एक साथ, ये पूरी एक साथ रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी हल्का सा मैं डाल देती हूँ ये, ठीक है। ये आप देखोगे कि ये हमारा हिल वाला टेक्सचर और पीछे ट्री वाला टेक्सचर, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, ये काफी थिक और स्मूथ है ये, और जो नीचे हिल वाला टेक्सचर आया है वो काफी स्टोनी और रफ आया है, जो सूखने के बाद आपको पता चलेगा, ये मैंने पहले भी दिखाया, इसकी आवाज सुन के भी आपको पता चल रहा होगा कि ये है, और ये निकलता नहीं है, बहुत अच्छे से दिखता है ये, जब हम पेंटिंग को लाइव देखते हैं तो अलग ही समझ में आता है, पीछे स्मूथ और सॉफ्ट ट्रीज और थोड़ी स्टोनी सा ये हमारा हिली एरिया। अब वाटर वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि हमको हल्की सी शाइनिंग की जरूरत होती है ना वाटर में, कि हमारा वाटर जो है थोड़ा सा शाइनी रहे, शाइनी दिखे, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कलर भी हमको करना चाहिए फेविकोल मिक्स। हम अपने सिंपल पोस्टर कलर में अगर फेविकोल मिक्स करके पेंटिंग करेंगे ना तो उसका जो सूखने के बाद जो इफेक्ट आता है वो बिल्कुल एक्रेलिक कलर जैसा आता है, उतना शाइनी तो नहीं आता जितना उसमें ग्लेज आता है, उतना तो नहीं आता, ऑलमोस्ट उतना ही शाइनी और स्मूथ टेक्चर आता है, ठीक है। अब हम वाटर वाला सेक्शन बनाने के लिए ब्लू कलर में मिक्स करेंगे फेविकोल, ठीक है। जितना हम कलर लेंगे उतना ही हम फेविकोल मिक्स करेंगे, ठीक है। वाटर हम कम से कम यूज करेंगे इसमें, अगर आपका कलर बहुत ही ड्राई है सूखा हुआ कलर है तो कलर को इस थिकनेस के साथ में निकालो पहले आप, ठीक है, और फिर उसमें मिक्स करो फेविकोल, ठीक है। जितना हमारा कलर है उतना ही हमको फेविकोल मिक्स करना है, ठीक है।
फेविकोल से हमारे जो कलर में है काफी अच्छे से शाइनिंग आ जाती है। इसमें वाटर कम से कम मिक्स करना, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, अगर आपका कलर है तो कलर निकालने के बाद आप उसमें अच्छी तरीके से फेविकोल को मिक्स करो। उसके बाद जब सूखेगा ना तो उसमें काफी ग्लेजी ग्लेजी सा टेक्सचर आएगा, ठीक है। वाटर में इस तरीके से मिक्स रहा है, और वाटर का जो हमने फॉल बनाया है उसमें अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। अभी तक में किसी को भी कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ? अभी तक जितना मैंने बताया उसमें किसी को कहीं डाउट है? कहीं ऐसा लगा कि कहीं कोई क्वेश्चन है माइंड में कि नहीं मैम ये ऐसा तो नहीं हो सकता, या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी डाउटफुल लग रहा है क्या किसी को? बिना किसी हैसल के बता सब पूछ सकते हो बेटा कि मैडम ये आपने अप्लाई किया है ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई डाउट, कोई एनी डाउट, एनी बड़ी, किसी को कोई डाउट नहीं है? जो ऊपर वाली जो लीव्स है ना आपने जो बनाई है ट्री वाली, मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा, आपने ब्लू कलर में क्या मिक्स किया है? ब्लू कलर में मैंने फेविकोल मिक्स किया, ठीक है, एक में टेलकम पाउडर, मीठा सोडा, थर्ड वन फेविकोल, ठीक है। हमको मीठा सोडा वहां मिक्स करना है, मीठा सोडा अपने कलर में वहां मिक्स करना है जहां हम अपनी पेंटिंग में थोड़ा सा रफ टेक्सचर दिखाना चाहते हैं, चाहे वो किसी का फेस बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, आपके पेंटिंग में जहां आपको देना है कि वहां हमारी पेंटिंग को थोड़ा सा फेडेड या थोड़ा सा रफ टेक्सचर देना, वहां हम पोस्टर कलर में मिलाएंगे मीठा सोडा। जहां पे हमको थोड़ा सा थिक और स्मूथ टेक्सचर देना है अपनी पेंटिंग में वहां मिलाएंगे टेलकम पाउडर, और जहां आपकी पेंटिंग हमको थोड़ा सा शाइनी टेक्सचर देना है, ग्लेजी टेक्सचर देना है, थोड़ा सा स्लिपरी टेक्सचर देना है, वहां पे हम मिलाएंगे फेविकोल, ठीक है। वो हम पेंटिंग किसी भी टाइप की पेंटिंग कर रहे हैं, वेदर हम कोई फ्लावर प्लांट बना रहे हो या जैसे हम फूल का गमला बनाते हैं तो हमारा जो गमला वाला सेक्शन होता है मिट्टी का होता है ना, और उसमें मिट्टी का टेक्सचर दिखाते, तो जहां भी हमको सैंडी फॉर्म में या कोई रफ फॉर्म में स्टोनी फॉर्म में कोई टेक्सचर देना हो वहां पे हम अपने पोस्टर कलर में मिलाएंगे मीठा सोडा, ठीक है, ओके। तो आप अलग ही देखोगे जब सूखने के बाद वो टेक्सचर जो आएगा उसमें वो वाकई वैसे ही लगेगा जैसे कि मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, बहुत नेचुरल दिखता है वो, ओके। अब मैंने मिक्स किया फेविकोल, आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि वाटर और फॉल वाला सेक्शन बनाने के लिए हम किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर वीडियोस, हर्षिता मदनानी, यश गोयल, मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी, बिल्कुल सबकी एब्सेंट मार्क करने वाली हूँ मैं, ये अटेंडेंस आपके जाने वाली है। आप ये मत सोचना ये ड्रॉइंग की क्लास है तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे वीडियो ओपन करके कोई भी चीज को हम सिर्फ देखते हो सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है, ये बात आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखो, ठीक है। आपको नहीं इंटरेस्ट है उसमें ज्यादा, लेकिन हम कोई भी चीज जब सिर्फ देखते हो सुनते हैं ना तो हमारा माइंड में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाता है, और कभी हम करना चाहते हैं तो सडनली हमारे माइंड में आता है कि हम इसको इस चीज को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी वॉटरी टेक्सचर बनाने के लिए ब्लू कलर हमको कैसे कैसे अप्लाई करना है मैम? यस बेटा। मैम आपकी वो जो लेडी वाली पिक्चर है वो एक बार दिखाइएगा ना, वो जो आपने फर्स्ट ही फर्स्ट दिखाई थी मैम, वैसी मुझे बनानी थी, डूडलिंग कैसे करते हैं के लिए चाहिए। हाँ पहले एक मिनट बेटा, मेरे वाटर वाला सेक्शन कंप्लीट कर दो फिर मैं पीछे दिखाती हूँ आपको, ठीक है मैम? ओके मैम। हाँ बेटा, ओके बेटा। डूडलिंग कैसे करते हैं? डूडलिंग क्या करते हैं? डूडलिंग ड्राइंग कैसे बनाते हैं? डूडलिंग ड्राइंग के लिए बेटा पहले आपको डिजाइनिंग सीखनी होगी, पेन से डिजाइनिंग सीखनी होगी। सुधांशु इतना लेट एडमिट हुआ क्लास में क्या? चश्मा कहाँ है सुधांशु का? हाँ चश्मा उतर गया क्या सुधांशु? कचरे में गया। यस चल पहले वाटर वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं दूसरी वाली पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। इस तरीके से फेविकोल को लगाने के बाद मिक्स करने के बाद देखो वाटर में जहां से वाटर गिरना स्टार्ट हो रहा है वहां पे हमको डार्क ब्लू करना चाहिए, जहां से टर्निंग ले रहा है वहां पे करना चाहिए, और जहां पे फ्लॉन्ट कर रहा है नीचे की तरफ बेस में इस तरीके से। मेरे ख्याल से सबको आता होगा, जो पेंटिंग का शौकीन है उसको पता होगा कि हमको पानी में वाटर का टेक्चर किस तरीके से देना, इस तरह रफली हमको वर्टिकली हमको अप्लाई करना चाहिए ब्रश, ठीक है। कभी भी वाटर में इस तरीके से कलरिंग नहीं करी जाती, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जहां से पानी ठहरता है वहां पर डार्क दिखाना है, और फिर रैंडमली करना है, और फिर ब्रश को क्लीन करने के बाद ब्रश में हल्का सा पानी लेके उसको मिक्स करना है इस तरीके से। अभी हमारी पूरी पेंटिंग को एक साथ, ठीक है, पानी के साथ इसको मिक्सिंग करनी है हल्की से, ठीक है।
ये मेरी पूरी कंप्लीट होगी पेंटिंग। अब इसमें जहां जहां पे हमारा वाटर गिर रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है, वहां पे हमको इसमें हल्की सी टेक्सचर बनाना है व्हाइट कलर से। ब्रश को हमेशा अच्छे से क्लीन करके ही व्हाइट कलर में डालोगे आप। मेरी इज माई व्हाइट कलर, दिस इज माई व्हाइट कलर, ठीक है। व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में भी आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा फेविकोल मिक्स करके थोड़ा शाइन ड्रॉप्स में आएगा शाइन टेक्सचर, अगर आप फेविकोल मिक्स कर दो तो, ठीक है। हल्का हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा टॉप पे जहाँ पे पानी का कर्व है, वहां पे जहाँ पे पानी गिरता है तो क्या होता है, बौछार उड़ती है पानी की ना, बिल्कुल फाइन ड्रॉप्स बनाओगे आप इस तरीके से जहाँ पे हमारा पानी गिरता है। जब कभी पानी का झरना देखा आपने? मैं पानी का झरना देखा है किसी ने? जहाँ पानी गिरता है वहां से पानी उछलता है तो हल्की हल्की सी ड्रॉप्स ड्रॉपलेट्स वगैरह होती है, हल्की हल्की सी ड्रॉप्स। किसने देखा है झरना तो उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा उसको नहीं पता होगा। मैंने तो देखा है, हम देख रहे हैं ना, देखा है ना बेटा, हल्के हल्के से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना उसमें, जहाँ पानी गिरता है, फ्लोर से पानी गिरता है वहां से पानी उछलता है ना इस तरीके से, तो वो ड्रॉपलेट्स निकलती है, ठीक है। ये देखो मेरी पूरी सीनरी रेडी हो गई। इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से टेलकम पाउडर, मीठा सोडा और फेविकोल मिक्स करके हम पेंटिंग में काफी ग्लेजी और इफेक्टिव लुक दे सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, आप इसको लाइव देखो तो ज्यादा अच्छी तरीके समझ पाओगे, ज्यादा खुशहाल। यस मैम, इसी दिन तो स्कूल खोलेंगे बेटा, है ना, तो अभी लोगे लेकिन सारा पनिशमेंट मैं एक साथ दे दूंगी तुमको, ठीक है। इसी तरीके से आप यही चीज आप कर सकते हो एक्रेलिक कलर से। देखो एक्रेलिक कलर में, ये तो मैंने आपको ग्लास पेंटिंग सिखाई थी, ग्लास कलर जो हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लू रहता है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लू, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिला, सॉरी फूड कलर मिक्स करेंगे बिल्कुल चुटकी भर, जितना भी हमको कलर बनाना है तो ट्रांसपेरेंट ग्लू आता है। एक्रेलिक कलर में हम मीठा सोडा मिला देंगे, ये मीठा सोडा मिलाएंगे तो देखो काफी रफ टाइप का टेक्सचर आया, थोड़ा रफ, ये रफ टाइप का, ये हम एक्रेलिक कलर में मैंने मीठा सोडा मिलाया, इस तरीके के रफ फॉर्म में आ रहे हैं। इसको भी हम बॉटल पे किसी बटन चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ग्लास का, ग्लास पेंट का, ये मैंने एक्रेलिक पेंट में मीठा सोडा मिलाया थोड़ा सा रफ टेक्सचर बनाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ टेक्सचर है, ठीक है। इसके बाद हम उसमें मोटे मार्कर पेन से या फिर ब्रश से भी पेंटिंग वर्क कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तो ग्लास कलर का, ये बढ़ जाएगा। नहीं नहीं देखो मैं हाथ से घिस रही हूँ बहुत जोर से, ठीक है, नहीं मिट रहा है वो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेंट, ये वाला समझ में आ गया बेटा सबको, किस किस को समझ में? ओके मेरे को, कंगना सुधान ऐसे बोल रहा तेरे को, ये समझ में आ गया बेटा पेंटिंग्स में देने के लिए क्या क्या, किस तरह से मिक्सिंग करके तीन इंग्रेडिएंट्स की। एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर वीडियोस, कर सकते हैं। हम कैमरा खराब हो रहा है, यस रौनक कैमरा खराब हो रहा है बेटा, ठीक है। मैं अटेंडेंस शीट में तुम्हारी एब्सेंट डाल देती हूँ, फिर जब कैमरा ठीक हो जाएगा तब प्रेजेंट डाल दूंगी, ओके। ओके मैम, ओके नाउ वेरी नाइस मैम, वो पिक दिखा देते हैं उस लेडी की। हाँ जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, मैं दिखा देती हूँ आपको बेटा। माउंटेन बनाने लेडी नहीं बना, आप इसमें, मैंने खाली तरीका बताया कि मैंने, जरूरी नहीं कि सीनरी में ही अप्लाई कर सकते, मैंने कहा है कि जहां भी आप थोड़ा सा सैंडी और रफ लुक देना चाहते हैं वहां आप एक्रेलिक या पोस्टर कलर में आप मिक्स करेंगे मीठा सोडा, ठीक है, नॉट बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, जहां आप अपनी पेंटिंग में या किसी भी आर्ट वर्क में आप थोड़ा सा स्मूदी और थिक टेक्सचर देना चाहते हैं वहां आप मिक्स करेंगे अपने कलर में टेलकम पाउडर, और जहां थोड़ा सा शाइनी और देना चाहते हैं वहां पे आप मिक्स करेंगे अपने कलर में फेविकोल, नॉट ट्रांसपेरेंट ग्लू। जितना थिक कोई भी आप उसमें एडहेसिव मिक्स करेंगे, ठीक है, बाइंडिंग एजेंट मिक्स करेंगे, जैसे फेविकोल पतला पतला मिक्स नहीं करना बेटा कलर में, नहीं तो उतना अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। काफी थिक स्मूथ और शाइनी टेक्सचर देना चाहते हो तो थिक थोड़ा सा फेविकोल मिक्स करोगे, ओके। ये समझ में आ गया? मैं आपको दिखाती हूँ लेडी वाला टेक्सचर, नाउ लुक एट दिस, ठीक है। ये देखो इसमें जो पीछे जो क्राउन वाला जो ज्वेलरी वाला जितना सेक्शन है ना, मैंने उसमें
आपको कैसे बताऊं मैं, जब तक आप इसको लाइव नहीं दिखते आप समझ में नहीं पाते। मैं हल्का सा रब करके दिखा सकती हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप आवाज सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने उसमें डाला है मीठा सोडा, जितना ज्वेलरी वाला सेक्शन है, जहाँ पे आईलिड वाला सेक्शन है ये वाला आंख के पलक के ऊपर वाला, यहाँ पे मैंने कलर में फेविकोल सॉरी वो डाला है टेलकम पाउडर, जो थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर है यहाँ पे हेयर्स के पास यहाँ पे, और जो फेस है बैकग्राउंड में जो फेस है उसमें डायरेक्टली मैंने खाली पानी, और जैसे हम कलर भरते हैं ना सिंपली जहाँ पे नेक वाले सेक्शन, वैसे हमको सिंपल प्लेन कलर भरना है। इसमें भी आप स्मूथ टेक्सचर देना चाहते हो तो उसमें आप फेविकोल मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये जो पीछे ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें मैंने थोड़ा सा टेलकम पाउडर मिक्स किया है स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, बाकी जितना ज्वेलरी वाला सेक्शन है मैंने उसमें डाला है मीठा सोडा। ओके मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसमें लाइक दिस, ठीक है। तो वही हमारे सिंपल से पोस्टर कलर्स हैं, लेकिन जो इफेक्ट जो उसका निकल के आता है आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, जो उसका इफेक्ट निकल के आता है वो अलग ही दिखता है। वो आप लाइव जब करोगे ना उसको खुद प्रैक्टिकली करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल से हमारे पोस्टर कलर से भी कितना सुंदर लुक आ जाता है। हम कलर की टेक्सचर को अगर चेंज करें किसी भी चीज को मिक्सिंग करके उसमें, ठीक है। आया सबको समझ में? तो जैसे कि मैम ने बोला है कि वर्ल्ड अर्थ डे है तो आपको कुछ ना कुछ बनाना है बेटा, अपनी क्रिएटिविटी को मत छोड़ो, कुछ ना कुछ सारे बच्चे जैसे पार्टिसिपेट करते थे वो चीजें मत छोड़ो बिल्कुल भी, ठीक है। करते रहो और कुछ ना कुछ बनाओ। अब आज की पेंटिंग में किसी को भी कोई डाउट है या कुछ सीखना चाहता है, कुछ किसी और टाइप की ड्राइंग में अप्लाई करके दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझसे पूछ लो, अभी मैं करके दिखा देती हूँ फिर से। किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैम इसको फिर से करके दिखाइए, इस टाइप की चीज में करके दिखाइए कैसे दिखेगा, तो मैं करके दिखाती हूँ। एनीबॉडी किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है? अर्थ डे बेटा कल था, आज वर्ल्ड बुक डे है। ओके आज पुस्तक दिवस है, कल था, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। मैम जो हमने वॉटर में कलर करा था वो एक बार करके बता दो। कौन सा वाला बेटा? मैम वॉटर में कलर नहीं करा था क्या? पानी में कैसे करना चाहिए, ठीक है। मैं जल्दी से करके दिखाती हूँ कि हमको पानी में कैसे कलर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम वॉटर बनाते हैं ना, मैं दो तरीके से बताती हूँ कि फॉल में किस तरीके से करना चाहिए और सिंपल हमारा बहता हुआ पानी है तो उसमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉल वाला सेक्शन होता है यहाँ पे साइड में तो हिल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, हिल्स वगैरह रहते हैं, उसमें से बहता हुआ पानी आके नीचे गिरता है, ठीक है। इसी तरीके का होता है ना, हिल्स वगैरह होते हैं उसमें टकराते हुए पानी गिरता है। तो कभी भी आप पानी का टेक्सचर बनाओ किसी हिल फॉल वाला सेक्शन बनाओ, कभी भी फॉल बनाओ तो आप क्या करोगे उसमें कि कुछ हिल्स जो ऊपर की तरफ है काफी आगे की तरफ निकली हुई, थोड़ी आगे की तरफ निकली हुई, बीच की हिल्स जो थोड़ी सी अंदर की तरफ दबी हुई, फिर नीचे के थोड़ा ऊपर जाके फिर थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई। कभी भी आपको फॉल बनाना हो तो इस बात का ध्यान रखोगे कि जहां से फॉल गिरना शुरू हो रहा है वहां पे आपको हिल्स को थोड़ा आगे की तरफ निकाल के रखना है, सेंटर में थोड़ा अंदर की तरफ, और फिर नीचे वाला सेक्शन है बॉटम वाला सेक्शन वहां पे फिर से थोड़ा सा उनको आगे की तरफ करना है, ताकि क्या होता है वॉटर बनाते हैं ना, तो आपको मैं समझाऊंगी जैसे हमारा पानी यहाँ से गिरना शुरू होता है ये नीचे टकराएगा इस तरीके से, इस तरह नीचे की तरफ टकराएगा इस वाले हिल से, फिर उछलेगा पानी यहाँ से, फिर उछलेगा पानी, फिर नीचे के हिस्से में टकराएगा, नीचे जाके नीचे जितनी भी बुरी बुरी हिल्स होंगी आगे का उनसे फिर टकराएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका इफेक्ट बहुत सुंदर आता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब भी हम फॉल बना रहे हो इस तरीके से दिखाती हूँ तो हमको हमेशा ऊपर के हिल्स को थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ बनाना चाहिए, बीच में हिल वाला टेक्सचर जो है पहाड़ का टेक्सचर थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ और फिर नीचे के थोड़ा ऊपर फिर से थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ, ताकि हमारा पानी जब यहाँ से गिरे तो फिर नीचे टकराए फिर उछल के फिर नीचे गिरे, ताकि उस वाटर का इफेक्ट हम दिखा सकते हैं। जिसमें वाटर अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको सिंपल जो ब्लू कलर है उसमें डार्क ब्लू कलर नहीं लेना है, हमको सिर्फ सिंपल ब्लू कलर लेना है, ठीक है। उसको इस तरीके से अप्लाई करो आप, यहां से देखो यहां से जाके नीचे जाएगा ये सेक्शन आपका, ऊपर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बस यहीं से स्टार्ट करके फिर नीचे की तरफ आपको फ्लॉन्ट करना है इस तरीके से, इस तरीके से, और नीचे लाके छोड़ देना है।
यहाँ से हमारा वाटर फिर टकराएगा फिर नीचे जाएगा, तो फिर हम ब्रश को गीला करेंगे, कलर लगाएंगे, यहाँ से हम फिर ये सेम प्रोसीजर यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे भी कलर की डार्कनेस उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ पे है इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे हम यहाँ वाला, उसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे लाइक दिस, ठीक है। उसको करने के बाद हम छोड़ देंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल सूख जाएगा हल्का सा, तो हम अपने ब्रश को गीला करने के बाद हल्की सी ब्लेंडिंग करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे व्हाइट और छोटा छोटा हिस्सा दिख रहा है, हल्की सी ब्लेंडिंग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लेंगे प्योर प्योर ब्लू कलर, फिर से लेंगे जो हमने अप्लाई किया उस पे, सेम ब्लू कलर लेंगे। ये ब्लू कलर लेने के बाद हल्की हल्की से हम इसमें वॉटरी टेक्सचर बनाएंगे, बिल्कुल फाइन ब्रश लेके, ठीक है, इस तरीके से टेक्सचर्स बनाएंगे पानी के गिरने के, इस तरीके से। ये मैंने दूसरा कलर नहीं लिया है, सेम वही ब्लू कलर लिया है, पता है, बहुत अच्छी बात है बेटा अगर आपको पता है तो, वेरी नाइस, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम अप्लाई करेंगे व्हाइट कलर, जब इतना हमारा सब सूख जाएगा, उसके सूखने के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे व्हाइट कलर। व्हाइट कलर गीले में अप्लाई नहीं करोगे बेटा, टेक्सचर नहीं आएगा उसमें, ठीक है। फिर जहाँ टॉप वाला सेक्शन है, हमेशा ऊपर की तरफ वाला सेक्शन है, वहां पे हमेशा शाइनिंग होती है, वहां पे हम इस तरीके से शाइनिंग दिखाएंगे, हल्की सी ड्रॉपिंग करेंगे उसमें हल्की सी, इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है। आपको पता नहीं इतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जहाँ पे पानी गिर रहा है वहां पे, वहां पे इस तरीके से हल्की सी लाइन्स बनाएंगे बिल्कुल, और फिर यहाँ पे दिखाएंगे इसी तरीके व्हाइट से, ये सूखने के बाद तो फिर से ब्लू के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पानी टकरा रहा है इसलिए यहाँ पे भी हम हल्की सी ड्रॉपलेट्स दिखाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल पतले ब्रश से करोगे आप ये, ठीक है। फिर जहाँ पानी गिर रहा है वहां पे फिर टॉप पे इसी तरीके से लाइक दिस, और बॉटम में मैंने आपको दिखाया पिछली बार फॉल में, क्या बेटा ब्रश चेंज करिए क्या? नहीं ब्रश नहीं चेंज किया, नहीं वही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अरे मैम उसके फादर का नाम होगा, किसी के फादर ठीक है, ये समझ में आया आपको वाटर का। अब प्लेन वाटर जैसे हमको बनाना है, फ्लैटन पैटर्न सेक्शन में बनाना है पानी, ऐसे ऐसे फॉर्म में वाटर बनाना, तो कैसे अप्लाई करना चाहिए, हमेशा पहले तो हमेशा थोड़ा सा फ्लैट ब्रश यूज करो बड़ा वाला, ठीक है, फ्लैट ब्रश यूज करना चाहिए, हल्का सा पानी से गीला करके ऐसे वॉशिंग करना चाहिए, पहले अपने पेपर को हल्का सा वॉश करना चाहिए, तभी वाटर का अच्छा टेक्सचर आता है। ये मैंने पहले भी सिखाया है बेटा आपको, हल्का सा वाटर से अपनी शीट को वॉश करो, बहुत गीला मत कर देना कि फूल जाए बिल्कुल, वो इतना गीला नहीं कर देना, और फिर ब्रश को गीला करके, ब्रश को गीला करके ये फ्लैट ब्रश से करोगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, बाकी आप राउंड ब्रश से भी कर सकते हो। ब्रश की खाली टिप में, खाली टिप पे हम ब्लू कलर अप्लाई करेंगे इससे, ये मैं फ्लैटन पानी दिखा रही हूँ जहाँ पे हमको फ्लैटन पानी का, ठीक है, और बहुत ही रैंडमली इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, वो शीट अपने आप फूल जाती है ना बेटा, तो प्रॉपर लगता नहीं इस तरीके से। ब्रश को बहुत प्रेस नहीं करना है हार्डली, बिल्कुल रैंडमली ब्रश को पकड़ना है इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ब्रश को क्लीन करने के बाद हम लेंगे इसमें व्हाइट कलर, अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद, वैसे ही ब्रश के टिप में हम कलर लगाएंगे व्हाइट इस तरीके से। हम क्या चीज देंगे? पानी है, पानी पानी है, पानी मर गए मैम, शीट ही फट जाएगी? नहीं फट जाएगी बेटा, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये इतना बेस सूखने के बाद, अगर आपके पीछे हिल वाला सेक्शन है तो हल्का सा उस कलर का टेक्सचर दोगे, या लंबा ट्रीज वगैरह है, ये इतना बेस सूखने के बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसीजर अप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, जिस तरीके से हमने इसमें किया था,
ओके एवरीबॉडी, ओके मैम, ओके मैम, सबसे पहले समझ में आ जाता है जब इसको कुछ भी नहीं करना रहता है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो आपके ड्राइंग फाइल आप बना लो, कोई भी जिसको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए एक्टिविटी में, इस तरह से आपको चिंडी बनानी है या कुछ भी बनाना है, ठीक है? वाटर वाला सेक्शन में मैंने बताया आपको कैसे करना, लाइक दिस, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे ग्रास बनाई है ना, यहाँ पे घास, तो मैं हल्का सा ग्रीनी टेक्सचर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे ग्रास लगाऊंगी तो वाटर में यहाँ पे ग्रीनी टेक्सचर दूंगी। इसी तरीके से ब्रश को इस तरीके से अप्लाई करते, ओके? ये जो आपने सीनरी बना रखी है वर्क में करनी है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसी ही सीनरी बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो, कैसे भी बनेगी नहीं। ओके मैम, मैम फिर आपको सेंड कर देंगे। हाँ बिल्कुल, बना के मुझे सेंड कर दो। ये जितने एक्टिविटी के मार्क्स हैं डिपेंड करेगा कि आप कितना क्रिएटिव वर्क करते हो, ठीक है? तो आज का वर्क एक्टिविटी की बहुत ऑनेस्टली आप जवाब दोगे, आपको पसंद आई कि नहीं आई? एवरीबॉडी नो मैम, बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल ऑनेस्ट बताना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छी लगी, अच्छा लगा आपको। कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करके हम टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब भी स्टोनी टेक्सचर हमको बनाना होता तो टेक्सचर इफेक्ट आता ही नहीं है, हम कितना भी कलर के मिक्सिंग करें शेडिंग करें वो स्टोनी टेक्सचर नहीं आता ना, लेकिन इस तरीके से हम करके कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत टफ भी नहीं होता है, ठीक है? एवरीबॉडी आया समझ में सबको? करेंगे सारे बच्चे, करेंगे एक्टिविटी है बेटा, ठीक है? चलो हैव अ नाइस डे बेटा, टेक केयर, नेक्स्ट पीरियड आ जाओ, बाय बाय, हेलो हेलो हेलो, व्हेन इज योर नेक्स्ट पीरियड बेटा? हेलो हेलो, मैम नहीं पता नहीं, फ्राइडे मैम, साइंस का पीरियड है, फ्राइडे होता है, सब पढ़ रहे हैं एवरीबॉडी, मैम हैव अ नाइस डे बेटा, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, नो 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 नो, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय मैम, हेलो, यू आर अ गाय, चल बे अभिषेक जी, अभी फॉर लंच।